फोटो लेना फोटो। अबे रुक, आप फोटो हम जब ले तो बताइए। नहीं रुकने का, ये हमारे दोस्त फोटो। इतना इसका क्वांटिटी है, भी है सेल्फी सेल्फ है, ये भी सेल्फ है, और यहाँ पे देखिए ये भी सेल्फ। पता नाम नाम डालो, ये का करपा, ये करपा। हाँ और इससे गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे फिल्मों में देखा है। हाय एवरीवन, माय सेल्फ देव, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो गाइस, हम लोग हैं उड़ीसा पे और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दोस्तों बोंडा घाटी के अंतर्गत आने वाला है खूबसूरत सा मार्केट। और मेरे साथ हैं, देखो जी आए बड़े दूर से हम लोग, ये भी कहते हैं कि भाई लोकल ड्रिंक आप लोग दिखाइए, पहले दिखाते थे। तो दोस्तों हमारे लिए जो है ना नया जगह है, नया प्लेस है और नया जगह हम जा रहे हैं। अरे जो मार्केट में आने के लिए दोस्तों हम लोग जो है टोटल लगभग 4 किलोमीटर हम लोग जो है ट्रेवल करके आए हैं। और अभी देख सकते हो पास में ही पूरा मार्केट का जो है ना रौनक सजा हुआ है। बड़ा बड़ा बहुत विशाल विशाल सा पहाड़ है, इसी के बीच में ना बोंडा ट्राइब का ये लोकल मार्केट बैठता है। चलिए दिखाते हैं आपको बोंडा ट्राइब के लोगों के द्वारा आयोजित होने वाली खूबसूरत सा मार्केट। साथ ही साथ दोस्तों ये पहाड़ों में जो है ना बोंडा ट्राइब निवास करते हैं। चलते हैं आपको मार्केट की तरफ, यहाँ से थोड़ी सी दूर में है। और चलिए, बेसिकली है जो बाजार देखा जाए ना, ये रोड के पास ही नजदीक से ही बैठता है। गांव का नाम है दोस्तों मुंडीगुड़ा, लिखा हुआ है उड़िया पे लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पे ना खूबसूरत सा ना जय श्री राम जी की ना, ये राम जी के साथ मेरे साथ, और ये खूबसूरत सा आदिवासी बोंडा ट्राइब्स का मार्केट। यहाँ पे देखिए ये मार्केट का जो है ना स्टार्टिंग है, इस तरीके से देखिए काफी खूबसूरत खूबसूरत सा दुकान। और यहाँ पे नड्डा लगी हुई है, पता नहीं प्राइस क्या है। आज आप इस लोकल मार्केट में आप लोग देखेंगे कि ना बोंडा ट्राइब्स वाले जो लोग हैं वो भी सामान बेचते हुए नजर आएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है फ्रेश मछली कच्चा वाला और सूखा वाला, और ये है उड़द, ये है सेमी, और ये वो कुछ बोलते हैं उड़द, ये क्या है सेमी इसको बोलते हैं। ये कितना प्राइस का है? 100 रुपये में दोस्तों। हाँ, ये के जो भागा है ना ये 100 रुपये में मिलता है। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये ना आधा किलो है या 250 ग्राम ऐसे बिकता है। बेसिकली पूरा जो बाजार है ना, गोभी आलू टमाटर सब जो है यहाँ पे रोड किनारे बसा हुआ दिख रही है। साथ साथ देखिए ये है फ्रेश एकदम का, और यहाँ पे भुट्टा को पता नहीं क्या बोलते, कितने का ये कूड़े बोले तो लेके देख रहे हैं। इस तरीके दादी बेच रही है, और बैंगन है यहाँ पे। बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारे ड्राई पीसेस मिल रही है यहाँ पे जो है, ये सकते इस तरीके से बोंडा ट्राइब्स के लोग जो है ना बेच रहे हैं। वो देखो, वो भी सूखा मछली है यहाँ पे देख सकते हैं पूरे, और यहाँ पे फली बेच रहे हैं, और इधर भी भाई मार्केट है। ये आपको 25 रुपये में मिलेगा प्याज, और आलू 20 रुपये में आलू। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा लगभग लगभग सेम रेट चल रही है। बाजार आज संडे ना, संडे तो ये गाँव का नाम क्या है? मुंडीगुड़ा। मुंडीगुड़ा, मुंडीगुड़ा का दोस्तों ये उड़ीसा के अंतर्गत आता है, और ये संडे को एक दिन वीकली मार्केट है ना। देख सकते हैं पूरा खाने पीने के सामान जो है ना अवेलेबल है। मछली का ढेर, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा बड़ा सा मार्केट है। ये है दोस्तों नमक मछली, देख रहे हैं इतना सारा उड़ीसा का ये ट्राइबल मार्केट में आप लोग देख रहे हैं। क्या खूबसूरत खूबसूरत सा मछली है देखो दादा। ये मछली का नाम क्या है इसका? ये सुकुआ बोलते हैं ना, हमारे यहाँ भी सुकुआ बोलते हैं। ये नाम पता, नाम 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 ये करपा, ये करपा। और ये इटा सीटा कैसीटा सुकुआ। अच्छा, ये सीटा सुकुआ। ये पत्तो करिया करिया। सपराटा। अच्छा, क्या बात है, नाम इतना वो है। और ये मछली शायद ना, हाँ हार्ड मछली है, सूखे वाले ड्राई पीसेस हैं। ये किलो कितना भैया इसका? इसका किलो 100 रुपये, 100 रुपये किलो में मिल जाएंगे। पूरा ड्राई पीस है देख सकते हैं, पूरा नमकीन नमक मछली, जो कि हमारे यहाँ भी सुकुआ बोलते हैं, यहाँ भी सुकुआ चल रहा है ना। ये देखो ये भी सुकुआ है, वहाँ से लेके वहाँ तक ना सुकुआ है दोस्तों। यहाँ पे भी जो है ना ये जो नमकीन मछली है ना, यहाँ पे भी सुकुआ बोलते हैं। क्या है कि छत्तीसगढ़ और जो है उड़ीसा का बॉर्डर है, और तेलंगाना के बॉर्डर में पड़ता है, तो यहाँ पे ना हम लोग को थोड़ा सा जो मछलियों के नाम जानने में थोड़ा समस्या तो नहीं हो रही है। हमारे यहाँ भी ये जो नमकीन मछली है ना सुकुआ बोलते हैं, नाम जो है अलग अलग थोड़ा सा है। छतरी और उड़िया ऐसा लगता है कि सेम है, बस थोड़ा सा ना चेंज लगता है। बाकी देख सकते हैं इधर पे पूरे जो है पूरा बर्तन दुकानें लगे हुए हैं, खूबसूरत सा बर्तन दुकानें। बाकी भाई चले गए उधर पे देखने के लिए, अभी उधर से ऐसे करके ना पूरा इस मार्केट को टूरिंग देंगे। तो यहाँ पे जो बाजार है ना, ये माली समुदाय वाले भी हैं, और मेरे ख्याल से ट्राइब्स का अलग प्रकार होना चाहिए जैसे बोंडा समुदाय वैसे ही।
और यहाँ पे देखो अम्मा बेच रही है, वो देखो तो गाय गाय यहाँ पे भी काफी सारे मिक्स मसाले अवेलेबल है यार। वो कितने का है टोटल? 20 रुपीस, 20 रुपए दोस्तों, कोड़े बोले तो 20 रुपए। इसे है कड़कपुर मसाले और है काली मिर्च, वो है लौंग, वो है इलायची, ये सारी चीज़ें तो दिख जाती है ऑलरेडी मार्केट में, लेकिन ये पिसा है ना समझ नहीं आ रहा है ना। ये हल्दी है और वो क्या है मिर्ची, और ये मसाले हैं पा रहे होंगे आप लोग, वो सारे अलग अलग ना, इतने सारे मसाले हैं जितना हम जानते नहीं है। ये वाला कल्ला, और ये साल के पेड़ों में वृक्ष पे निकलने वाला धूप, धूप जिसे पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पूरे देखिए, यहाँ पे ना पूरा लोकल लोग, इस तरीके की जो सब्जियाँ भाजियाँ दिख रही है, ये 5 से 10 किलोमीटर के अंडर पे जो आदिवासी महिलाएं होती है वो बाजारों पे आती है अपने सामान को बेचने के लिए। और देखिए यहाँ पे इधर पे है कपड़े दुकान लग जाता है, यहाँ पे यूनिक आने का जो कल्चर होगा, बेचने का जो तरीके होंगे बिल्कुल अलग दिखेंगे आप लोग को। ये है उड़ीसा का एकदम लोकल एकदम रियलिस्टिक मार्केट, यहाँ पे आप लोग के पूरे चार अलग अलग समुदाय के लोगों को देखने को मिलेगी ना। ये है ड्राई हल्दी जो कि 10 रुपये में होगा। चलिए इधर पे चलते हैं, पे नज़र आया बहुत खूबसूरत सा घोड़ा गाड़ी जो कि ना फिल्मों में देखने को खासकर मिलता है। घोड़ा आप लोग को देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, लेकिन आज यहाँ उड़ीसा में दिखा बहुत बड़ी बात है। ब्लैक कलर का घोड़ा है जिसे घोड़ा गाड़ी कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे फिल्मों में देखा है, बहुत खूबसूरत सा है ना। ये क्या, ये सवारी ले जाने के लिए क्या भैया, ये सवारी ले जाने के लिए क्या, सवारी ले जाने के लिए दुकान है? अच्छा क्या बात है, क्या नाम है इसका? दीवाना। दीवाना क्या बात है भाई, नाम एकदम जबरदस्त है घोड़े का भाई, एकदम मस्त लग रहा है। हमारे यहाँ भी एक है ऐसा गांव में, एकदम सिंगल पीस। कैसा है? ऐसी है सेम, एकदम दीवाना नाम जच रहा है भाई, ब्लैक कलर का है। ये दुकान है बेसिकली ना, अंगूठे बेचते घोड़े की नाल। अच्छा घोड़े की नाल के गाइस आप लोग, कितना एक कितना मिलता? 30 रुपए, 30 से 40 में मिल जाएगा। बहुत खूबसूरत घोड़ा है, मस्त लगा, दुकान है भाई, हम लोग सोच रहे थे बैठ के जाने का है। ये देसी टमाटर है, ये कितने का है? कूड़े 20 रुपीज़ देसी है ना, देसी टमाटर है। कोलत है, और ये इसका क्या नाम है? चिली साबुन, ये जंगल में मिलता है बेसिकली? अच्छा ये पहाड़ियों में मिलने वाला ये मेडिसिन, एक कह लो शैम्पू है जो अपने हेयर में लगाते हैं, है ना? सही है। क्या रेट, क्या बोली इसका नाम? चिली, चिली। ये आपको ना मार्केट पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत से दुकान है, बड़े बड़े दुकान है। इधर पे गाड़ी रखे गई है, माहौल बहुत अच्छे होते होंगे, मार्केट बहुत शानदार सा बड़ा बड़ा मार्केट है जिसमें आपको तमाम तरह के कपड़े जो है ना मिल जाएंगी। ट्राई करने वाले हमारे यहाँ सल्फी कहते हैं, और यहाँ पे लोकल भाषा में ना सल्फ कहते हैं, लोकल ड्रिंक बेचते हैं ना, ट्राइब्स के बेसिकली लोग बेचते हैं, और बाकी जो आसपास जो दुकान लगा है ना वो लोकल लोग हैं जो यहाँ पे बेच रहे हैं ना। तो चलिए चलते हैं, वहाँ पे ना पूरा जो है लोकल ड्रिंक लगा हुआ है, लोकल ड्रिंक ट्राई मारते हैं जिसे सल्फ कहते हैं, और भी उसके बारे में विशेष जानकारी जानेंगे। और साथ साथ दोस्तों हम बोंडा घाटी में घूम रहे हैं, तो आपको बोंडा जनजातियों द्वारा जो चीज़ें लाया जा रहा है इस मार्केट में बेचा जा रहा है वो दिखाने का कोशिश करेंगे। बाकी हमारे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए नया है, हम यहाँ आने के लिए बहुत खुश थे। हर उड़ीसा में घूम के बोंडा ट्राइब्स के मिलके भाई ऐसा लग रहा है ना स्वर्ग में हम पहुँच गए। चलिए बोंडा समुदाय वाले, ये है देसी जो कि ये सल्फ है ना, सल्फ है यहाँ, एक कोड़े 20 रुपीज़ का एक मिलेगा। और इधर पे देख सकते हैं पूरा यहाँ पे लगा हुआ है, सल्फी है, ये भी सल्फ है, सल्फ ना वो लोग की, इसी को निकालने के लिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं, देसी का सल्फ। हाँ यस, एनर्जी ड्रिंक है, रसुन है, थालो रसुन है। अच्छा सेटा भी नहीं है, अरे थालो मटा होती बड़ा बड़ा लंबा लंबा, ये भी नहीं, ये तो हमारा गसो सल्फ है। अच्छा ये घर का, ये है देसी, बस पानी है यहाँ पे मिल रहे अंडे, यहाँ पे मिल रहे मछली, और ये एक मछली कितने का? 20 रुपीज़ का एक मछली, 20 में ठीक है, 20 रुपये में। हाँ कूड़े मतलब 20 आता है इसका मतलब, आपको मैं टेस्ट कर रहा था। ये भी है सल्फी, सल्फ है, ये भी सल्फ है, और यहाँ पे देखिए ये भी सल्फ है, टोटल सल्फी। और देखो वो आओ जा रहे हैं, बन रहा है वहाँ पे, और ये देखिए इधर पे
ये देखिए यहाँ पे औजारे बन रही है ना। देखो ये अलग असिया है और ये कुल्हाड़ी अलग अलग तरीके से। यहाँ पे ना शायद गांव वाले भी लाते होंगे, ये अलग अलग गांव वाले भी लाते हैं क्या बनाने के लिए, जैसे घर से। हाँ तो जितने लोगों घर में जो इस तरीके से रोड रहता है ना, उसको लाके जो है यहाँ पे लाइव एकदम अपने आँखों के सामने इस तरीके से बना सकते हैं। 350। जैसे वहाँ पे चरखा चल रही है ना, वहाँ के द्वारा हवा पास हो रहा है और जो अंगार है ना सुलग रहा है, और उसमें जो है ये मीटर डाला जा रहा है और इस तरीके से पीटा जा रहा है उसको आकार देने के लिए, है ना। विश्वकर्मा भगवान का बहुत योगदान है इसमें। जय विश्वकर्मा। तो कितना कितना दिन बैठता है ये बाजार, कितना दिन? संडे को। अच्छा हाँ, संडे को क्या बोलते हैं इधर, रविवार? रविवार। हाँ, हम छत्तीसगढ़ से तो थोड़ा थोड़ा मिक्स होता है ना। हाँ, जैसे हमारे यहाँ मछली को सुखवा बोलते हैं, हमारे यहाँ भी सुखवा बोलते हैं आपके यहाँ? हाँ, तो ठीक है। ये दोस्तों संडे को यानी कि रविवार को लगने वाला बाजार है। बाकी यहाँ पे ना पूरा लोकल ड्रिंक लगा हुआ है, जो कि अभी हम ट्राई करने वाले हैं, तो उसका पूरा टेस्ट बताने वाले हैं। देखिए ये मेरे ट्राई करने वाले हैं, अभी ट्राई करके आप लोगों को हम बताएंगे कि जो है कैसा है। हमारे दोस्त पर इतना इसका क्वांटिटी है, क्या है? बढ़िया, स्वाद बहुत अच्छा है। अच्छा तो दोस्तों ये जो है ना, ये इस तरीके का लौकी का बना हुआ है, इसको पीने का तरीका बताते हैं, अभी ट्राई मारते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा ही है ना? अच्छा, सही तरीका ये है भाई पकड़ने का, है ना। थोड़ा खारा खारा सा है भाई, थोड़ा सा हल्का, हाँ हल्का सा। और दोस्तों ये जो है ना सल्फ है, सल्फ है ना, सल्फ। भैया भाई ट्राई मारने वाले हैं और अपना एक्सपीरियंस जो है जाहिर करने वाले हैं। ऐसा क्या है? अच्छा है, अच्छा सही पकड़ा। हाँ सही, सही है, सही है, अब याद रहेगा ऐसा ना। हाँ ऐसा ऐसा। हाँ पिक्चर लेनी, फोटो लेना, फोटो लेना है। फोटो मैं रुक रहा हूँ, फोटो हम जब लेंगे तो बताइए। नहीं रुक रहा, इस तरीके से इसे डाला जाता है और उसे और इसी से ये लोग कमाते हैं, और उससे घर में जो साग भाजी होता है ना वो खरीद के घर में ले जाते हैं, है ना। ये बहुत दूर से चल के आते हैं इस तरीके से डब्बे में लेके, यार मिल जाता है इनसे। फोटो लो, फोटो। ट्राइबल जो चकना होता है, जो कि सेल्फी के साथ ट्राई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पूरा सेल्फी है जो आप लोग को हमने ट्राई करके दिखाया। अभी हम आपको ना चकना खरीदने वाले। हाँ वन पीस ले रहे हैं गाइस। नहीं नहीं बतिया नहीं रहे भाई, आपको मालूम होना चाहिए ये कौन सी मछली है, ये कौन सी मछली है। भाकुर है भाई, मछली का नाम भाकुर। जबरदस्त है ना, ये बॉयलर है लग रहा है, बॉयलर ना। कितने का ये, ये कितने का ये? ओंडा टाइप से गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं घर के लिए। ये बेचने के लिए नहीं है, ये घर के लिए है, अपने लिए खरीद के ले जा रहे हैं घर के लिए, जो कि बोंडा ट्राइब से संबंधित करते हैं, उनके वेशभूषा से समझ आ रहा था। और इसी तरीके जो है ना, बहुत दूर दूर से जो आदिवासी समुदाय लोग आते हैं मार्केट में एक बार मार्केट करने के लिए, तो इसी तरह सप्ते भर के लिए ना वहाँ पे 7-8 मुर्गे थे दोस्तों, 7-8 मुर्गे, जो कि हमारे अपने खुद के घर के लिए जो है ना खरीद के ले जा रहे थे। तो इसी तरीके से जो है आदिवासी लोग जो है ना खरीद के ले जाते हैं। उतने सारे देख के हमको भी यही लगा कि ना वो बेच रहे होंगे, तो हम भी पूछे जा रहे थे, तो भैया से पूछा भाई ये जानकारी मिला, थैंक यू। ये मसाले वसाले बहुत मिलेंगे यहाँ पे, आप आ सकते हो, मस्त खरीद सकते हो। हम भी अपने कैंपिंग के लिए ले जाने वाले इधर से। बाकी यहाँ पे देखिए काफी सारे ना झाड़ों में जो मिलता है ये झाड़ू, ये यहाँ पे बिक्री है, देख सकते हैं इस तरह। ये गोभी कितने का? कोड़े, अरे बाप रे, 20 रुपये हम दोस्तों देख सकते हैं उड़ीसा में कितना मिल रहा है, तीन बड़े बड़े है। और मछली देखेंगे कितना भैया किलो? 180। सेम छत्तीसगढ़ी जैसा है यहाँ पे भी सेम रेट, 120 और 180 किसी बीच में अलग अलग मछली बिकेंगे। ये मछली का नाम क्या है भैया? ये रुपचान, चांदनी मछली। चांदनी आई लव यू। चांदनी आई लव यू, क्या बात है। और ये बंगास, 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 क्या बात है मछली का नाम। और ये रोही, ये रोही, रोहू, 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 रोहू,
अच्छा ये सेम है ना, ये सेम है, सेम हाँ है। ये एक किलो 180 180 में आपको ये फ्रेश मछली मिलेंगी। ठीक, खाने वालों के लिए बढ़िया है यहाँ पे। ये सेम है ना, ये मछली और ये मछली सेम। तो चलिए चलते हैं इस लोकल मार्केट को विजिट करके, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी हम लोग दादा के पास जो है टेस्ट किए, बाकी देख सकते हैं इधर पे पूरा जो है ना ट्राइबल लोग लेके आए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, नहीं हो तो चैनल को बेशक सब्सक्राइब करिएगा। उड़ीसा का ये लोकल मार्केट कैसा लगा अपने फीडबैक में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जगह एक्सप्लोर करने के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।